हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। और विंडोज़ में जैसे कि आप सभी जानते हैं कि जो स्टार्ट मेन्यू है वो काफ़ी चेंज हुआ और विंडोज़ 8 में उसको काफ़ी क्रिटिसाइज़ भी किया गया। उसके बाद विंडोज़ 10 में माइक्रोसॉफ्ट ने जो पुराना स्टार्ट मेन्यू है उससे मिलता जुलता एक मेन्यू लॉन्च किया था। बट काफ़ी लोग ये नहीं जानते कि एक हिडन स्टार्ट मेन्यू भी होता है जो कि आपको मिलेगा जब आप स्टार्ट बटन पर राइट क्लिक करेंगे माउस का, और उसके बाद आपको सामने ये मेन्यू मिल जाएगा जहाँ पे आपको ये सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। ऐप्स एंड फीचर्स, सिस्टम, डिवाइस मैनेजर, कंप्यूटर मैनेजमेंट, टास्क मैनेजर, शटडाउन करने का ऑप्शन भी। और दोस्तों, जो अगला फीचर है वो है इमोजी कीबोर्ड, जो हम फ़ोन में काफ़ी यूज़ करते हैं बट डेस्कटॉप में कैसे यूज़ करना है वो काफ़ी लोगों को पता नहीं होता। तो इसके लिए आपको बस विंडोज़ की प्रेस करना है, उसके साथ में आपको फुल स्टॉप का बटन प्रेस करना है। दोनों बटन्स को आप साथ में प्रेस करेंगे तो आपके सामने एक कीबोर्ड आ जाएगा जिसमें आपको अलग अलग इमोजीज मिलेंगे और जिनको आप अपने सोशल मीडिया पर यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों, हम बात करते हैं डिक्टेशन के बारे में। दोस्तों, हम सभी डॉक्यूमेंट टाइप करते हैं अपने लैपटॉप में, बट कैसा रहे अगर आप सिर्फ बोल कर टाइप कर पाएँ, मतलब आप सिर्फ डिक्टेट करें और जो डॉक्यूमेंट है वो अपने आप टाइप होता जाए। इसके लिए दोस्तों आपको अपने लैपटॉप पर विंडोज़ प्लस एच बटन साथ में प्रेस करना होगा। उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरीके का मैसेज आएगा जिसके लिए आपको सेटिंग में जाके जो ऑनलाइन स्पीच रिकग्निशन है उसको ऑन करना होगा। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको सीधे उस मैसेज पे क्लिक कर देना है और उसके बाद आपके सामने जो स्पीच की सेटिंग है वो खुल जाएगी। वहाँ पर जाके आपको इसको इनेबल कर देना है। जैसे आप इसको इनेबल करेंगे उसके बाद आप जो डिक्टेशन वाला फीचर है उसको यूज़ कर सकते। और दोस्तों, इस सेटिंग को ऑन करने के बाद जैसे आप विंडोज़ प्लस अल्फ़ाबेट एच का बटन प्रेस करेंगे तो आप उसके बाद डिक्टेट करके अपने डॉक्यूमेंट्स को टाइप कर सकते हैं। तो ये काफ़ी इजी फीचर है जो विंडोज़ में प्रोवाइड किया जाता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही रखते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।